हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी पार्टी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पार्टी में बनाने के लिए मॉकटेल की रेसिपी, जो जितनी बनाने में आसान है उतनी ही देखने में सुंदर और पीने में उतनी ही टेस्टी है। इसे आप अपनी किसी भी किटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में या फिर फेस्टिवल सीजन में बना सकते हैं। तो अभी गर्मियों का मौसम भी आ गया है और मौसम आम का भी आने वाला है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। मॉकटेल बनाने के लिए मैंगो जूस लेंगे। यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ मैंगो जूस लिया है, आप चाहें तो मैंगो फ्रूटी भी ले सकते हैं। खसखस सिरप लेंगे, प्लेन सोडा लेंगे, लेमन जूस लेंगे। तो 2 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा प्लेन वाटर लेंगे। गार्निशिंग के लिए लेमन स्लाइस और साथ में पुदीने के पत्ते लेंगे, थोड़े से आइस क्यूब्स लेंगे। तो अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए मॉकटेल बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम खस सिरप को डिल्यूट कर लेंगे। तो 2 गिलास मैं मॉकटेल बनाने जा रही हूँ, तो 2 चम्मच हम खस का सिरप लेंगे और इसको डिल्यूट कर लेंगे 2 चम्मच पानी डालकर। तो खस सिरप काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसको डिल्यूट ज़रूर करें। तो 2 चम्मच डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मॉकटेल बनाने के लिए हम 2 अच्छे से कांच के गिलास लेंगे, लॉन्ग वाले, और उसमें सबसे पहले हम आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद हम इसमें खसखस सिरप डालेंगे। और फिर 1 सर्विंग स्पून लेकर हम उसको गिलास में उल्टा रख के उसके ऊपर मैंगो जूस डालेंगे। तो इस तरह से लेयर्स बनेंगी, तो सारे कलर अलग अलग दिखाई देंगे। ये मॉकटेल बहुत ही सुंदर दिखती है। आप इस मॉकटेल को होली पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंगो जूस डालने के बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें 1 गिलास में लेमन जूस डालेंगे। और फिर प्लेन सोडा लेकर हम इसे फिल करेंगे। तो सबसे लास्ट में सोडा डालेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये मॉकटेल बहुत ही सुंदर दिखती है और पीने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। लेमन स्लाइस और हम मिंट लीव से इसे गार्निश करेंगे। और फिर कोई भी अच्छी सी स्ट्रॉ लगाकर हम इसे सर्व करेंगे। तो खस मॉकटेल बनकर तैयार है। पार्टी में बनाने के लिए मॉकटेल की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।